नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, आज आपको मैं मिला रहा हूं बाड़मेर के पेंटर ओम। ये बाड़मेर के निवासी है, पेंटर ओम राय कॉलोनी रोड पर रहते हैं। ये ओम जांगीर नाम है इनका, और इनको बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ है। इनकी प्रेरणा इनको अपने भाई से, बड़े भाई से मिली है प्रेरणा। आज ओम ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, और अपने हाथों से पेंटिंग करके। तो इन्होंने देखो साथियों, भारत की सबसे बेहतरीन गायिका जिसे कहते हैं, जिनका थोड़े दिन पहले स्वर्गवास हो गया, लता मंगेशकर जी है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की इन्होंने प्रतिमा बनाई है, अपने हाथ से निखारी है, देख लो इन्होंने खुद ने। और इनके साथ साथ बाड़मेर के भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान की भी प्रतिमा इन्होंने बनाई है, देख लो। आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये तन सिंह जी चौहान साहब की प्रतिमा है, वो भी ये ओम जी पेंटर ने अपने हाथ से बनाई है। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत पुलिस अधिकारियों की और तस्वीरें बनाई है। बाड़मेर के पूर्व पुलिस अधीक्षक थे जो भवा सिंह घुमरिया, फिर जोधपुर में पूर्व आईजी थे, उनकी भी इन्होंने प्रतिमा बनाई है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वासिंग घुमरिया जो बाड़मेर के पूर्व आईजी आ गए हैं, बाड़मेर के पूर्व एसपी और जोधपुर के पूर्व आईजी वासिंग घुमरिया साहब की प्रतिमा बनाई, और ऐसे कई पुलिस के अधिकारियों की प्रतिमा ओम जी ने अपने हाथों से निखारी है। तो ओम जी से बात भी हुई है, ओम जी से पूरी बात, ओम जी ने ये प्रेरणा कहाँ से मिली है और कैसे मिली और कब से ये काम कर रहे हैं पेंटिंग का, वो भी ओम जी से बात की है। तो साथियों, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि सभी मित्रों तक ये मैसेज पहुंचे, ओम जी ने कैसी कैसी और किन किन की तस्वीरें बनाई है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। क्या नाम है आपका? राणा ओम प्रकाश है, मैं पेंटर ओम के नाम से काम करता हूँ। ये ओम जी कैसी कैसी आप तस्वीरें बनाते हो, किन किन की तस्वीरें बनाई, और ये आपने ये हुनर कहाँ से सीखा है? मैंने तकरीबन सभी टाइप की सभी पेंटिंग्स बनाई है, पोर्ट्रेट से लेके धार्मिक चित्र और किसी टाइप के हर तरह के चित्र मैंने बनाए हैं। और ये प्रेरणा मुझे अपने बड़े भाई साहब से मिली है, जो वो खुद भी अच्छे ड्राइंग के मास्टर है और खुद ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद अपने बाड़मेर के स्वर्गीय पेंटर गणेश जी की देख के मैंने उनसे भी सीखा है, उनकी तरह साइन बोर्ड बनाना वगैरह। ये दो व्यक्ति है जो जिनकी प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हो आप? मैं करीब 35 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। कहाँ कहाँ आपने गए और बार कहाँ जाके ये काम किया आपने? मैं अजमेर काम किया है, आगरा में काम किया है, मुंबई में काम किया है, जोधपुर में काम किया है, वहाँ जाके मैंने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। इसके अलावा आप क्या और कैसी प्रतिमा बनाते हो? मैं लकड़ी की बनाता हूँ, मार्बल की बनाता हूँ, ग्रेनाइट और मार्बल की हाथ से खुदाई वाली प्लेटें भी बनाता हूँ। यानी कला के क्षेत्र में करीब करीब सभी काम मैं कर चुका हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो अभी अभी आपने किन किन की तस्वीरें बनाई है? अभी मैंने मोरिया साहब की बनाई है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बनाई है, आईजी कुमरिया साहब की बनाई है, और तंजीस चौहान साहब जो हमारे भामा साहब हैं उनकी मैं पहले बना चुका हूँ, जो हमारे मेरी दुकान में लगी हुई है। ठीक, ये है ओम पेंटर बाड़मेर के, जिन्होंने अपनी कला से, देख लो साथियों, भारत की सबसे बेहतरीन गायिका लता मंगेशकर, बाड़मेर के भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान, इनका मैं नाम नहीं शायद जानता हूं, और ये बाड़मेर के पूर्व एसपी और जोधपुर रेंज के पूर्व आईजी वासिंग घुमरिया। और भी आपको मैं इनकी कला दिखा रहा हूं साथियों, काल्पनिक कला भी है। साथियों, काल्पनिक कला भी इन्होंने